अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे मार्केट में काम था तो मैंने कहा चलें छोटी मोटी बच्चों की चीज़ें लेनी थी, किस्बा के लिए फोनियाँ वगैरह यहाँ में पहुँच आई हूँ। फोनियाँ देख रही थी, पिन वगैरह, रिंग उसके, और हाथिया ने भी बस मेहंदी लेनी थी, चूड़ियाँ और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे हम लोग देख रहे थे। मैंने कहा जिसको जो अच्छा लगता है वो ले ले, और किस्बा के लिए भी मैंने ली हैं क्योंकि किस्बा छोड़ती तो कुछ भी नहीं है लेकिन दिल तो करता है कि बंदा कुछ ना कुछ ले ले। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो हैं किस्बा के लिए भी ले ली, बस कुछ मुझे चाहिए था जो जो ज़रूरत का सामान मैंने लिया, और थोड़ा सा ही काम था बस बच्चों के लिए लेनी थी और चीज़ें वगैरह। ईद तो आई हुई है तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं ना, ईद तो बच्चों की होती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे बस मैंने कहा भाई साहब कुछ मुनासिब करो और दे दो चीज़ें हमें, और जिस चीज़ का भी पूछते हैं वो इतनी महंगी वो सोच भी नहीं सकता। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए हैं और वापस आके फिर मैंने कहा कि खाना वगैरह बनाना था और खाना मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ से मैंने ये बंद गोभी लाई थी, पत्ता गोभी जिसे बोला जाता है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और मेरे बच्चे ये शौक़ से खाते हैं, सलाद भी इसका शौक़ से खाते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जो है मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि साथ में या चिकन हो या मीट हो तब सारे खाते हैं, वैसे अदरवाइज़ सिंपल कोई भी नहीं खाता ना, कोई भी सब्ज़ी हो बच्चे कोई भी सिंपल नहीं खाते, कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक काट दी थी। अच्छा ये मैंने वो वाला मसाला बनाया जो मैंने मसाला बना के रखा है, आप लोगों को मैंने पेस्ट बना के दिखाए थे ना, मैं बना के मैंने ईद के लिए रखे हैं, तो ये मैं उसके वो ही वाला मसाला यूज़ करूँ। ऑयल डाला है इसमें सारे मसाले वगैरह, और जो है बस ये मसाला डाल के इसे थोड़ी देर छोड़ूंगी और कवर अप करके तो ये मेल्ट क्या कहते हैं इसे डिफ्रोज हो जाएगा, और इसे भून के इसी में मैं सारा कुछ डाल दूंगी। चिकन भी मेरे पास उबला हुआ ही पड़ा हुआ था, बस वो ही मैं डाल के तो इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। मैंने कहा बस खाना ही बनाना है तो ये बच्चे सब्ज़ी भी इस तरह खा लेते हैं। ये देखें ये मेरे पास चिकन था तकरीबन आधा किलो के करीब था उबला हुआ, ये मैंने इसमें डाला है और बस ये इसके बाद मैं इसमें बंद गोभी जो है इसकी बनाई करके बस बंद गोभी डाल दूँगी। बंद गोभी को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट किया था, ठीक है, और ये इस तरह से मैं थोड़ा सा इसकी बनाई करके फिर इसे कवर अप करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बस लोग ऐसे होते हैं उन्हें कच्ची कच्चा अच्छा लगता है ना, लेकिन मेरे बच्चे कच्चा कच्चा नहीं खाते, मतलब कि थोड़ा सा गली गली सी हो ना उस तरह की मैंने पसंद है, तो बस जिस तरह बच्चे खाते हैं उस तरह ही बंदा बनाता है। तो ये देखें ये माशाल्लाह से मेरी हो चुकी है, इसे मैं ऊपर से कवर करके रखूँगी तकरीबन 10 मिनट तक। साथ साथ ये भी हो रही थी, बस खाने का टाइम हो चुका था। यहाँ मैंने 3 चपातियाँ भी बना ली थी और साथ साथ इसकी बनाई कर रही हूँ, ये भी बुनती है तो 7 चपातियाँ भी बनाती हूँ, फिर हम लोग बैठ के मैंने कहा खाना खा लेंगे ना। तो बच्चे हैं जब कहीं जाओ वापस आके काम करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ये सब काम करना ना, तो पता नहीं लोग कैसे शॉपिंग करके घर में आके फिर खाना बना लेते हैं। मुझे तो इतना मौत लगता है घर में आओ खाना बनाओ और ये करो वो करो, मैं कहती हूँ बस मैं कहीं से वापस आऊँ मुझे कोई भी किसी काम का ना बोले, ना खाने का ना बनाने का, जस्ट मुझे एक कप कोई चाय का दे दिया करें। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो इस तरह होता है, मैं तो बिल्कुल भी नडाल हो जाती हूँ शॉपिंग करने के मामले में, मैं बहुत ज़्यादा ढल हूँ क्योंकि जब बाहर निकलता है बंदा तो बस इधर उधर ही देख देख के तो बोरियत हो जाती है। तो ये थी शॉपिंग थी थोड़ी सी थी, इतनी तो नहीं थी लेकिन मुझे ये कि मुझे आना जाना बहुत मुश्किल लगता है ना, लोकल मुझे आना जाना बहुत बुरा लगता है, और गाड़ी हो तो फिर तो बंदा आसानी से जाता भी है और वापस भी आ जाता है। यहाँ पे बातों बातों में जी हमारा जो है खाना भी रेडी हो रहा है,
बस इतना खाना भी नहीं बनाना था, ये बस सालन बन गया है। और 3 ही चपातियाँ थी, एक मैं थी उरेरा और मेरी भांजी जो आई हुई हैं आदि वो हैं, और हम 3 लोग थे। बस मैंने कहा कि गुजारा करो, बस आज इस पे ही अच्छा खासा सालन है, ये वो है, बस थोड़ा सा उन्हें किए है, लाड शाट किए हैं और खाना भी रेडी कर लिया था। और क्योंकि किस्पा भी बहुत ज़्यादा कर रही है तंग, तो इसलिए बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस मैनेज करना पड़ता है, क्या करे बंदा। ये देखें माशाल्लाह से खाना भी जो है साथ साथ बन रहा है। अभी आगे आई हुई है जी ईद, और ईद की तैयारियां भी साथ साथ हैं जारी। यहाँ पे मेरा लास्ट जो चपाती थी वो मैंने डाल दी है, और ये देखें बस ईद की तैयारियां। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है। हम लोग तो बस कर रहे हैं साथ साथ, और शायद कल परसों तक ईद हो जाए और फिर ईद के बाद व्लॉग आएगा। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे रेडी हो चुका है, सलाद और चटनी भी है, और हम लोग बैठ के कर रहे हैं खाना शाना इंजॉय। आप लोग भी करें, हमारे साथ रहें। और अभी तक मैंने आप लोगों को बोला ही नहीं है कि मुझे लाइक करें, कमेंट करें या कुछ। आप प्लीज़ मुझे जो है लाइक तो कर दें, अगर देख ही चुके हैं, यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें फ्रेंड फैमिली में, और मुझे इसी तरह देखते रहें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। मुझे हंसी तब आ रही थी, मुझे किस्पा को देख के हंसी आ रही थी। हम लोगों ने खाना रखा है तो वो हमसे पहले तैयार होती है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। ओके जी, अब चाहूँगी इजाज़त और अपने ब्लॉग का करूँगी इख्तिताम। हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, और आप लोग आएँ हमारे साथ इंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।